क्या हो गया? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग किधर हैं? उमर, किया आप दोनों ने भेजा शीट इसका CPP6? सर वो दो नंबर तीन नंबर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। नंबर दो, कोई कोई हुआ है सर बात सब? तीन नंबर तो कल बताया था ना, पिपाई डिपाई। वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो अच्छा, क्वेश्चन बता नंबर टू में क्या दिक्कत है? सर, टू नंबर में मतलब वो जो कार्बन वाला है ना, वो सब नहीं हो रहा है सर। कल मतलब एक बताया था ना एग्जांपल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, O2N2 सबका दिखाया था आपको। हाँ सर, वो एन और ओ का बना है और वो सब नहीं बन रहा है। हाँ, बाकी इसमें भी वही करना है। कार्बन जो कल कार्बन बताया थे सर वो सब कर ली हाँ, तो सर, कार्बन उसका का एच को कैसे करेंगे? मतलब अरे एच को छोड़ दो, एच को रहने दो अभी, ठीक ओ, तब हो सकता था सर। एच को छोड़ देंगे तो हो जाएगा। है? एच को छोड़ दो तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन जैसा ही हो जाएगा, और फिर सी हाँ ट्रिपल सर, बॉन्ड CO नाइट्रोजन जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ और यस। नंबर एच नंबर को नहीं फाइव छोड़ना है। हाँ, एच को छोड़ दो। इनफैक्ट नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, इन चारों को छोड़ दो, ठीक है। ये अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, फिर समझ में आएगा, ठीक हाँ सर, तब हो गया मेरा। है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं हुआ? ये तो हो जाना चाहिए था। हो गया है सर। ये विपुल दास को दिक्कत है। हाँ, एक बार आंसर मैच करवा दीजिए। आंसर कराते मैच। गए सब लोग? 4, आप ही तीनों आए हैं, बाकी लोग? मैसेज कर देते हैं। लेट कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ,
तो पहले का आंसर क्या होगा, 1s और 2s से क्या होगा, ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, कौन सा ओवरलैप होगा, क्या बॉन्ड बनेगा, होगा एक्सियल वाला होगा ना, ठीक है, होगा, और क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बने, सेकंड में नो केमिकल बॉन्ड, नो केमिकल बॉन्ड, थर्ड में, थर्ड में भी नहीं, नहीं होगा, फोर्थ में केमिकल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई कौन बोल रहा है, नहीं सर, फोर में सिग्मा बॉन्ड, हाँ यस, ऐसे तो आपने भेजा क्यों नहीं अभी तक ग्रुप पे, बस नंदिनी का आंसर आया है, भेज रहे हैं सर, हाँ जल्दी भेज, कुणाल आपका, हाँ सर भेज रहे हैं, हम ही बोले, हाँ, और ये विपुल आपका, सर एक ही पेज था इसीलिए नहीं भेजा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, PX PX का कैसा होगा नंदनी आप बताइए, सर बनेगा, दोनों बन सकते हैं सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई दोनों कैसे बनेगा, मतलब सर बन सकता है ना, पी का है तो, नहीं हमने क्वेश्चन में क्या बताया, अज्यूम जेड एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब जेड एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर है, ठीक है, तो PX तब नहीं बनेगा, नहीं पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, अच्छा सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, तो ये PX PX आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा सिग्मा बन जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या दिया, जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें यहाँ पे ये आपका जेड एक्सिस होगा और इन दोनों के बीच जो ओवरलैप होगा दैट विल बी पाई, ठीक है, यस सर, ठीक, PX और PY के बीच क्या होगा, ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, होगा लेकिन सर वही पाई होगा, कैसे होगा, इसमें तो ओरिएंटेशन इसका नहीं है ना पैरेलल, तो सर वो रोटेट करके आप बोले, हाँ रोटेट करके होगा, PX और रोटेट करके करेगा, PX और PY का वैसे अगर पूछा जाए तो नहीं होगा, ठीक है, तो रोटेट रोटेट करेगा तो PX PY आपका PX हो गया ना, फिर जब 90 डिग्री से घूम गया वो, ऊपर वाला हो गया, PX PX हो गया, हाँ तो PX PY का डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर, फिर इसका PX PZ का भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और PZ PZ का हो जाएगा, सिग्मा बनेगा कि पाई होगा, सिग्मा बनेगा, वेरी गुड, चलो ठीक है, सिग्मा, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है, बाकी ये तीनों, बाकी ये चारों छोड़ सकते हैं अभी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे फिर देखेंगे इसको, ठीक है, हाँ सर, ऑक्सीजन का सबने ऐसे ही बनाया ना, ऐसे ही बनाया सबने, हाँ हाँ सर, नाइट्रोजन का भी इसी तरह से बनाएंगे, दो तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर एक ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है, और एक ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर, चलो ठीक है, देन नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है, पहला का कौन बताएगा, पहला विपुल आप बताइए, एसओ थ्री का कितना होगा पी पाई, कितना होगा डी पाई, पी पाई सर एक होगा, डी पाई सर दो होगा सर, डी पाई, ठीक है, ये एक होगा, ये दो होगा, एस टू एस ओ फोर में क्या होगा नंदनी आप बताइए, सर पी पाई जीरो और पी पाई डी पाई दो, वेरी गुड, पी ओ थ्री टू माइनस में कुणाल आप बताइए, कौन बताएगा, हेलो आप बता सकते हैं, हाँ सर, मतलब हो सकता है गलत हो जाए, रितिशा रितिशा, आई एम आस्किंग रितिशा, हेलो रितिशा, कैन यू हियर मी, यस सर, हाँ, इसका फोर्थ का आंसर बताइए, पी पाई और पी पाई डी पाई कितना है सीओ थ्री टू माइनस में,
देखो सीओ थ्री टू माइनस का स्ट्रक्चर आपका कैसे होगा, ठीक है? इज इट क्लियर रितिशा? स्ट्रक्चर आपको याद है? यस सर। हाँ, तो इसमें टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं इस कंपाउंड में? हेलो रितिशा, आई थिंक इट इज नॉट क्लियर टू यू। रितिशा आप एक बार क्लास के बाद मेरे को कॉल करना, ठीक है? हेलो सर। हाँ शुभांकर आप कब आए? मैं अभी आया जस्ट। हाँ ठीक है शुभांकर, आप बताइए CO32- में कितना होगा पी पाई, कितना पी पाई डी पाई? सर पी पाई तो एक ही होगा क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। हाँ और पी पाई डी पाई जीरो, ठीक है? ओके NO3- माइनस में कितना होगा शुभांकर आप बताइए? सर NO3- माइनस। और शुभांकर आपने होमवर्क भेजा नहीं मेरे को अभी तक? सर मैंने पहला पार्ट कर दिया है, दूसरा पार्ट सर दूसरा पार्ट भी कर दिया, ये वाला पार्ट बाकी है थोड़ा। अरे तो भेजना था ना आपको, कल रात तक करके भेज देते सब कुछ। सर मैं अभी आपको भेज दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा ही बाकी है, भेज दूंगा सर। ठीक है ओके। NO3- माइनस का क्या होगा सर मेरे से? हाँ हाँ सर NO3- माइनस का स्ट्रक्चर याद नहीं है सर, थोड़ा बता दीजिए ना। ठीक है हाँ सर बता रहा हूँ सर, एक पाई बॉन्ड है तो वैसे ही होगा पी पाई एक होगा, पी पाई डी पाई नहीं होगा, ठीक है? हाँ सर ओके सही बोला तो। ठीक है सबको क्लियर है? हाँ सर। कुणाल आप बताइए NO2- माइनस में क्या होगा? पीपाई दो होगा सर, पीपाई डीपाई जीरो। पीपाई डीपाई दो होगा? पीपाई दो होगा कैसे? स्ट्रक्चर से कैसे होता? स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं NO2- माइनस का? NO2- माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सर आपने पहले का आंसर डिस्कस कर लिया? क्या? सर आपने इससे पहले का आंसर डिस्कस कर लिया? हाँ किया ना। तो थोड़ा दिखा दीजिए ना मैं चेक कर लूंगा। ठीक है रुको, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर मेरे को बताने दो। NO2- माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इट इज N डबल बॉन्ड O, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड O, O N प्लस O माइनस, नहीं NO2 प्लस हो गया, एक कुछ NO2- माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NO2- माइनस इज वो इसके पिछले वाला सर, ठीक है? लेकिन ये O माइनस है तो N प्लस होना चाहिए ना, प्लस नहीं सर, एन का तो तीन बॉन्ड हो गया ना। ठीक है नहीं एन प्लस होना चाहिए ना, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाया तो। कोऑर्डिनेट कहाँ बनाया सर, ओ में तो दो चाहिए एक दिया तो एक माइनस रह ही गया ना। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ माइनस, वो कोऑर्डिनेट नहीं है सर, ओ में दो चाहिए एक ही किया तो एक बचा रह गया। ठीक है ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं है। तो एक पाई बॉन्ड है, दैट विल बी पी पाई पी पाई। ठीक है हां सर। SO2 का बताओ कौन बताएगा, नंदिनी आप बताइए। सर दोनों एक एक। दोनों एक एक कैसे? क्योंकि सर दो डबल डबल बॉन्ड बना है दोनों तरफ। ठीक है। तो, में कौन बताएगा, कुणाल आप बताइए। दोनों 1-1 से। दोनों 1-1। का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पाई बॉन्ड तो एक ही है ना, तो दोनों 1-1 कैसे हो सकता है?
स्ट्रक्चर हमने बताया था लास्ट क्लास में. पीपाई पीपाई है पाई बॉन्ड या पीपाई डीपाई है कुणाल आप बताइए. पीपाई डीपाई सर वन पीपाई डीपाई है वेरी गुड. सी टू एच फोर में क्या होगा कौन बताएगा. विपुल आप बताइए. सर इधर नहीं कर पाया इधर नहीं कर पाया मतलब क्या. सिंपल क्वेश्चन है सर. H3PO4 H3PO3 का सर पीपाई डीपाई वन कैसे हो गया. आपको अभी तक इसमें डाउट है शुभंकर. एक ही पाई बॉन्ड है ना इसमें. हाँ एक ही पाई बॉन्ड है. वो पी पाई डी पाई होगा क्योंकि पी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं तीन बॉन्ड बनाने में. अच्छा हाँ सर ठीक ठीक है. सिग्मा बॉन्ड बनाने में तीनों पी ऑर्बिटल जा चुके हैं पीछे. पहला जो होगा वो डी होगा ठीक है. विपुल आप बताइए इसका क्या होगा सी टू एच फोर का. पीपाई बॉन्ड है कि पीपाई डीपाई बॉन्ड है. बॉल लाइट कहाँ बा. पीपाई पीपाई तो है सर वो. पीपाई डीपाई पीपाई पीपाई ये वाला पीपाई पीपाई है ना तो एक ही बॉन्ड है ना तो दूसरा जीरो होगा. हाँ सर पीपाई पीपाई. हाँ सर बात समझ में आ रही है. हाँ सर पूरा अच्छे से अभी क्लियर हो गया पूरा. सी टू सी एन फोर का बताओ शुभांकर आप बताओ. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. स्ट्रक्चर ही नहीं बना सर. अरे देखो सी टू एच फोर जैसे होता है ना वैसे सी टू सी एन फोर बस एच की जगह सी एन लगा दो ठीक है. तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा. सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड एन C ट्रिपल बॉन्ड N ठीक है. C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N ठीक है. तो टोटल पाई बॉन्ड्स इसमें कितने हैं शुभांकर. टोटल पाई बॉन्ड एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ. नौ है. इसमें पीपाई पीपाई कितने हैं. पीपाई डीपाई कितने. पीपाई पीपाई तो एक ही होगा. क्यों तो क्योंकि पहले से इसका तो दो मतलब दो बॉन्ड में है ना तो हाँ. जो तो सर पीपाई पीपाई एक ही होगा. बाकी के आठ पीपाई डीपाई हैं. हाँ सर. नहीं सारे एटम्स के लिए देखो सारे पीपाई पीपाई ही हैं. इस एटम के लिए ये वाला पाई बॉन्ड क्या है पीपाई पीपाई ठीक है. हाँ, हाँ, इस वाले को सेंट्रल एटम मानो तो इसके साथ दो चीज जुड़ा हुआ है. दो सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने एक एस और एक पी ऑर्बिटल इसने एंगेज किया. दो पी ऑर्बिटल अभी खाली है ना इसके. अच्छा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी में ही बनेगा. बात समझ में आई. हाँ सर. हाँ सर. ऑनलाइन आर पीपाई पीपाई देयर इज नो पीपाई डीपाई है ठीक है. हाँ सर ठीक है. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा. दो हमारे पीपाई पीपाई जीरो ये SO2 CL2 में क्या होगा जीरो ये और दो ये ठीक है. हाँ सर. सब लोग आंसर मैच कर लो अपना. सर सर वो नौ क्यों हो गया मतलब सारा सेंट्रल एटम है. हाँ ये भी सेंट्रल एटम है एक तरह से. ये भी सेंट्रल एटम है. ये भी सेंट्रल एटम है. ये भी सेंट्रल मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. हाँ हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते. ठीक है सर. ओके तो 12 तक क्लियर है सबको. कुछ डाउट. नहीं सर नो डाउट. ओके तो हम बाकी का सिर्फ आंसर लिख देते हैं ठीक है. आप लोग मैच करते रहना. SO3 2- माइनस का क्या होगा. इधर एक पीपाई डीपाई होगा और जीरो पीपाई डीपाई होगा. ये हमारा जीरो ये होगा और हमारा जीरो वन ठीक है. SOCl2 में वन जीरो. इसमें हमारा क्या होगा थ्री तीन है ना. तीनों पीपाई डीपाई ठीक है. इसमें क्या है दो पीपाई डीपाई. इसमें एक पीपाई डीपाई है. सबको आंसर क्लियर है ना. बोल किसी को कुछ डाउट है इसमें. सर बोलो. SO3 2 माइनस का वो बनाइए ना एक्साइटेड स्टेट वाला. एक मिनट. SO3 2 माइनस का एक्साइटेड स्टेट क्यों बनवा रहे हो. स्ट्रक्चर ऐसे देख लो. यहाँ पे ये क्या है एक ही पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक एस और दो पी और वाइटल एन वाले एक पी बाकी होगा तो वो पी पाई टू पाई. हाँ सर.
वो हम उससे बनाए तो गलत हो गया। किससे? मतलब वो पी फोर था तो उसको एक भेज दिए उधर डी में, और उसके बाद एस एस को उसी तरह रख दिए थे। पी फोर को नहीं, पहले बात की इधर आयंस है ना, आयंस के केस में क्या होता है, आपका सल्फर और ऑक्सीजन वैसे एटम्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ओ माइनस मतलब ओ एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है कहीं से, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन P4 नहीं होगा, P5 होगा, ठीक है? दो ऑक्सीजन एटम्स ऐसे हैं जो माइनस चार्ज है ना, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन P5 होगा, क्लियर है? हाँ सर। और सल्फर को टोटल चार बॉन्ड बनाने हैं, तो कोवेलेंसी फोर वाला जो हम देखते थे वैसे करेंगे, ठीक है? जो एक्साइटेड स्टेट हम लोगों ने देखा था कल, कि जैसे ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है? इसका आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो ड्रॉ करते थे जिसमें एक डी में जाता था, ठीक है? तो ये 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 ये, ठीक है? हाँ सर, ऐसे ही तो किए थे, मतलब तो पहले पी पी बना लेगा ना, सिग्मा बॉन्ड पी ही बना लेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड सर इसमें नहीं नहीं एक मिनट वेट करो, ऐसे बनता है? नहीं ऐसे नहीं बनता, पहले एस जाता है ना, पहले एस जाता है या पहले पी जाता है? पहले एस जाता है, ठीक है? उसको मिटाओ, ये मिट क्यों नहीं रहा है? अरे यार पहले आपका एस चाहिए सर। ठीक है, समझ गया। ठीक है, हाँ सर, एस पहले जाएगा, फिर SOCl2, ये सब एग्जांपल्स हो गए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। S3PO2 में क्या होगा? तो वो 18 वाला समझ में नहीं आया था। ये वाला XeOF4? हाँ, XE नहीं सर, XeO2F2। XeO तो इसमें आप देखो ज़ीनन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ। दो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। हाँ, दो एक ऑक्सीजन के साथ करेगा, और एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, छह बचा कितना, एक दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ठीक है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर आप दो डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, वो तो इसके हाँ सिग्मा बॉन्ड बनाने में इसके सारे पी ऑर्बिटल जा चुके हैं, ठीक है? तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी का ही बनेगा। हाँ सर, बात समझ में आई? हाँ सर। Okay. और वही सर 19 में भी हो रहा है ना? 19 में भी वही हो रहा है, ठीक है? ठीक है सर। फिर 20 पे आ जाते हैं, S3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ऐसा होता है, ठीक है? एक ही पाई बॉन्ड है और वो पाई डी पाई होगा, क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ठीक है, हम बाकी के सिर्फ आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आपको गलत लगे तो बताना मेरे को, मेरा गलत हो सकता है क्योंकि हम अभी थोड़ा नींद में। P4O10 वो क्या होता है इसका? हाँ, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई चार हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें दो पाई बॉन्ड, क्लियर है सबको? किसी का आंसर मैच नहीं किया क्या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बताओ? नहीं सर, मैंने जितना तक किया मेरा सारा बस एक दो को छोड़कर, ठीक है? इसको एक और आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमारा जो ओवरलैप हो रहा है वो पीरियड टू के एलिमेंट्स का हो रहा है, ठीक है? तो ओवरलैप अगर पीरियड टू के एलिमेंट्स का हो रहा है, ठीक है? पीरियड टू के एलिमेंट्स मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह, ठीक है? तो पीरियड टू में क्या होता है, 2s और 2p होता है, 2d करके कुछ नहीं होता है। हाँ सर। तो अगर इनके बीच अगर कभी भी पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, हमेशा पी पाई ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन सर, क्योंकि वो 18 और 19 में फ्लोरीन था सर।
फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अरे 18 हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम इधर ज़ीनन है ना, हम कह रहे हैं सेंट्रल एटम जब सेकंड पीरियड का होगा, ठीक है, जैसे ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, और इधर कौन से हो जाएंगे, इधर आपका ये वाला केस, तो ये सब मैं आप बिना देखे कह सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का है, तो जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे सब पीपाई पीपाई होंगे, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ये सब हमारा पीरियड टू कैनॉट एक्सपेंड ऑक्टेट, ठीक है। हाँ सर, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी पाई बॉन्ड्स बनेंगे दैट विल बी पीपाई पीपाई, ठीक है। हाँ सर, ओके, पहला का थोड़ा आंसर दिखा दीजिए ना, मैं चेक कर लूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में चेक कर लेना। ले लिया? हाँ सर, शायद ले लिया सर, मैं मतलब मैंने तो सबका बॉन्ड बना लिया। सबका बॉन्ड नहीं बनेगा सर, 1s 2px क्यों नहीं बनेगा सर, 2px अगर हम घुमा देंगे तब तो बन जाएगा। हाँ, घुमाने पे बनेगा, लेकिन अगर नहीं घुमाया px और py का नहीं बनेगा ना, और घुमाने के बाद तो घुमाने के बाद पीवाई पीवाई थोड़ी रहेगा, पीवाई तो पीएक्स बन जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर, और आपने जैसे बताया था कि पीजेड को हम एक्स लेंगे, मतलब वैसे ही किया है सर मैंने? हाँ वैसे ही करना ही है, मतलब जेड को हॉरिजॉन्टल लिया है, वाई को वर्टिकल और एक्स को 45 डिग्री में सर। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, ओके, एक मिनट वेट करो आप लोग, हम अभी आ रहे हैं एक मिनट में। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, यस सर। ओके, तो कल हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो डॉट स्ट्रक्चर्स सीखे, जो फॉर्मल चार्ज सीखा, ठीक है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस देखा, सो वो सब हमारा किसका हिस्सा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। पर कल हम तो टाइप ऑफ ओवरलैप पढ़ रहे थे। हाँ, टाइप ऑफ ओवरलैप, तो वो सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट था। ओके सर, पलट के देखो इसको, ध्यान से देखो, मेन पॉइंट जो हमने लिखाया था, किसका मेन पॉइंट था ये सर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था ना, ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमारी जो अभी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग अगली थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फ्लॉज, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे और फिर देखेंगे अगला थ्योरी उसको कैसे एड्रेस करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर, यस सर। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इट कुडंट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स, लिखते चलो सब लोग, इट कुडंट एक्सप्लेन द equivalence of bond parameters, ठीक है। जैसे let us say, एक example के थ्रू हम आपको समझाते हैं, जैसे let us say CH4 का formation हुआ, ठीक है,
ठीक है, सी एच फोर कंपाउंड हमको बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो कार्बन का पहले हम लोग कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p2, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्साइट करना पड़ेगा। हाँ सर। एक्साइट कैसे करेंगे, तो एक एस को निकाल दो और इधर पी में डाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसकी कोवेलेंसी क्या हो चुकी है, चार हो चुकी है। हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। सर एस का ना, एस का निकालना था। हाँ एस का ही निकाले ना इलेक्ट्रॉन। ओ हाँ, टू एस का, ठीक है। और दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। हाँ सर। अब वीवीटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, चार हाइड्रोजन आएंगे जिनकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s1, ठीक है। चार हाइड्रोजन एटम ले लो आप, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, पहले चारों के बीच, चारों के बीच सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड वगैरह का कोई झंझट नहीं है इधर, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ पहले सर। का ओवरलैप क्या होगा, 1s का इसके 2s के साथ, 1s 2s, ठीक है। हाँ। दूसरे का क्या होगा, 1s का इसके 2p के साथ, इसका फिर 1s का इसके 2p के साथ, और इसका क्या, 1s का 2p के साथ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो कायदे से देखा जाए, अगर VBT सही है तो अपने को इस कंपाउंड में दो टाइप के बॉन्ड दिखने चाहिए, एक जो 1s और 2s के ओवरलैप से बॉन्ड बने, और एक 1s और 2p के ओवरलैप से जो बॉन्ड बने, ठीक है। हाँ सर। दो टाइप के बॉन्ड दिखने चाहिए, लेकिन हम लोग को जो दिखता है वो चारों आइडेंटिकल दिखता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज व्हाई इट कुडंट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स हमारा बॉन्ड लेंथ हो सकता है, ठीक है, या फिर बॉन्ड एनर्जी हो सकता है, ठीक है। सर बॉन्ड लेंथ तो बहुत छोटा होगा, इनक्रेडिबली स्मॉल। हाँ बॉन्ड लेंथ जैसे देखो, यहाँ पे 1s और 2s का है, तो s ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा होता है, p ऑर्बिटल क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा। तो बॉन्ड लेंथ दोनों में अलग अलग होना चाहिए ना, इसमें और इसमें, लेकिन अपने को आइडेंटिकल दिखता है। तो वो आइडेंटिकल या फिर इक्विवेलेंट क्यों आ रहा है चारों बॉन्ड, ये हमारा वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। यस सर। और सेकंड थिंग, वो एटम्स के शेप को, शेप के बारे में कुछ नहीं बताता है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शनल नेचर के बारे में बताता है, बट इट डजंट टेल अबाउट, इट डजंट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा इसके बारे में कुछ बताता नहीं है, ठीक है। तो इन्हें ड्रॉबैक्स के कारण क्या होता है, फिर अगली थ्योरी आती है, ठीक है। अगला थ्योरी कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन का। इसको नोट कर लिया सबने? मॉलिक्यूल का शेप जान के सर क्या मतलब होगा, उसका रिएक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना आगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो फिर अगली थ्योरी आई जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ s, p, d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म, ये टू है, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। हाँ सर।
और ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। वत्सल नहीं आया इस क्लास में क्या? नहीं सर। वत्सल है तो, हेलो वत्सल, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हाँ, समझ आ रहा है ना वत्सल? हाँ सर। आप बोलते रहा करो बीच में, ठीक है? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग वीबीटी के मेन पॉइंट्स देखे थे, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट्स देखेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये जस्ट थ्योरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो फिर भी पढ़ना है? हाँ, क्योंकि इससे बहुत सारे चीज एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है? अच्छा। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम HO से लिखेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग या फिर इंटरमिक्सिंग, ठीक है? तो अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सबने नोट कर लिया ना ये दोनों? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, एक एक लास्ट बाकी था, जल्दी नोट करो। हाँ सर। थर्ड पॉइंट, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग आर आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड एनर्जी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ओवरलैप से, उनकी क्या होती है, साइज, शेप और एनर्जी सेम रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हां सर। देन फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल लोब होता है छोटा सा, ठीक है? और एक क्या होता है, लार्ज लोब होता है। ये तरीका है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। देन नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिटल्स विथ ऑर्बिटल्स विथ सेम और नियरली द सेम energies are engaged in hybridization, engaged in forming hybrid orbitals, ठीक है? हाँ सर। Then sixth point, sir, HOS, हाँ, hybrid orbitals, apostrophe, plural, ठीक है? Yes sir, ठीक है? आप भी समझाएंगे ना बाद में? हाँ, समझाएंगे ना। All three types of orbitals, ठीक है? तीन तरह के orbital कौन कौन से होते हैं, empty, half filled और full filled, याद है ना? Yes sir। Empty, half filled और
फुलफिल. यस सर. ये तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं? कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाँ, कैन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. बात समझ में आई? हाँ सर. ठीक है, अब ये कैसे कैसे होगा? तो एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडेशन में? इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, हाँ सर, मतलब दिया जाएगा कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फुली फिल्ड ऑर्बिटल कब यूज होंगे? जब लोन पेयर हो अपने पास. ठीक है, और हाफ फिल्ड तो जनरली जैसे ओवरलैप होता है वैसे ही. बात समझ में आई सबको? हाँ सर. और एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट. ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड. सर मैंने कुछ बोला तो नहीं अभी. Sigma bond and lone pairs are involved, not pi bond. ठीक है, hybridization में pi bond involve नहीं होता, सिर्फ sigma bond या फिर lone pair involve होता है. ठीक है, okay sir. Then next thing is orientation. ठीक है, orientation of hybrid orbitals in space depends on the type of orbital and number of orbitals involved. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. सर ऊपर कंपाउंड का नाम क्या है? कौन सा? सर ऊपर जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? कौन सा कंपाउंड है? सर ऊपर, मतलब ऊपर लेफ्ट ये. हाँ सर. ये क्या है? मेरे को कैसा लग रहा है? ये कुछ कंपाउंड कंपाउंड नहीं है. अच्छा, बस ऐसे ही बना दिया. हाँ, बस फोटो है. ठीक है, ओके सर. क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 9. Hybrid orbitals orient in space in such a way that repulsion between them is minimum. ठीक है, hybrid orbitals इस तरह से orient करते हैं अपने आप को कि उसके बीच क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो जाए. ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. तो ये आपके नाइन म्यूट करो सर. ठीक है, तो ये आपके 9 कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिडाइजेशन के. ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर. ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इन पॉइंट्स को समझते हैं. जैसे CH4, जिससे क्लास का अभी डिस्कशन शुरू हुआ. ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या होगा? 1s2 2s2 2p2. ठीक है? हाँ सर. हाँ सर. फिर कार्बन को जब हमने एक्साइट किया तो इसका स्टेट क्या हुआ? 1s2 2s1 2p3. हाँ सर. ठीक है? हाँ सर. तो VBT के हिसाब से हाइड्रोजन का ओवरलैप डायरेक्टली 1 इसके साथ और 3 इसके साथ हो जाता है. ठीक है, और वो गलत है क्योंकि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल आते हैं सारे. ठीक है, हाँ सर. हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि असल में वैसे नहीं होता जैसे VBT कहता है. असल में ये जो चारों ऑर्बिटल है, ठीक है, एक s ऑर्बिटल जो 2s है और 3 p ऑर्बिटल जो 2p है. ठीक है, हाँ सर. चार ऑर्बिटल्स है ना इधर, दिख रहा है सबको? हाँ सर. हाँ, तो ये चारों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, एनर्जी इनकी रीडिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है, ये सब टर्म इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इंटरमिक्सिंग. ठीक है, और
या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सब होता है इन चारों ऑर्बिटल्स के बीच। और हमने पॉइंट में कौन सा पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर टू क्या था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? The number of hybrid orbitals formed equals to number of pure atomic orbitals combining slash intermixing. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार orbital हमारे pure atomic orbital combine कर रहे हैं, ठीक है? तो hybrid orbitals कितने बनेंगे? चार बनेंगे। चार। Yes. चार hybrid orbitals will be formed. Impure atomic orbitals भी कुछ होता है क्या? नहीं, impure atomic orbital कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने क्या बताया, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक बड़ा लोब होता है और उसके पीछे एक छोटा लोब होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे चार लोब हमारे पास है, ठीक है, एक दो तीन चार, ऐसे चार हाइब्रिड लोब हमारे बन गए, ठीक है। फिर आप पॉइंट नंबर नाइन को देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंट इन स्पेस इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। तो ये चारों अपने आप को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि उसके बीच रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमम। तो इसका शेप जो आता है वो टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है। पहला ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा, चौथा ऑर्बिटल ऐसे होगा। थ्री डायमेंशनल शेप होता है इसका, ठीक है। जैसे पी फोर का हमने स्ट्रक्चर देखा था ना। हाँ सर। तो इनके जो यहाँ वाले सब मिड पॉइंट्स है, इनको अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको एक टेट्राहेड्रल दिखेगा, ठीक है? हाँ सर। दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अभी जो सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. Okay. तो पॉइंट नंबर वन क्या था हमारा, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आता है? ठीक है। सेकंड पॉइंट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब असल में नहीं होता, ये असल में होता है कि नहीं होता पता नहीं, बस इससे बहुत सारा फेनोमेनन हमारा एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो चारों की एनर्जी और शेप क्या है, आइडेंटिकल है, ये भी दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, फिर HO is represented by this, ये तो कुछ समझना नहीं है इसमें। Only those orbitals with same or nearly same energies are engaged in forming hybrid orbitals. तो shape मतलब energy हमका हमारा जो energy होना चाहिए orbitals का वो almost identical होना चाहिए, 1s2s, ठीक है, 1s2p, 2s2p like this, ठीक है? 3s3 मतलब 3s2s ये मतलब हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, 3s3p, 3s2p, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। Then all three types of orbitals, empty, half-filled and full-filled, can participate in the formation of hybrid. ये हम लोग अभी examples अब देखेंगे तो इस point को देख लेंगे, ठीक है? हाँ सर। Then orbital engage नहीं हो सकते तो सर example? नहीं, क्या engage नहीं हो सकते? Five number वाला में। Five number, अच्छा। इसका ये पॉइंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल आएगा उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ऑर्बिटल्स मतलब सेम और नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है सर। जैसे हमने ज़ीनॉन और फ्लोरीन का भी देखा है, तो ज़ीनॉन तो हमारे सिक्स्थ पीरियड में है, फ्लोरीन हमारे सेकंड पीरियड में, उनकी भी एनर्जीज क्या है, आइडेंटिकल है। सिक्स्थ पीरियड क्या सिक्स्थ पीरियड में नहीं होते तो फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, ज़ीनॉन बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ज़ीनॉन का ज़ीनॉन देख लो या फिर कोई एक एग्जांपल देख लो आप, सल्फर देख लो, ठीक है? अच्छा, ये अभी आप मेरे को याद दिलाना, अभी बाकी एग्जांपल्स देखेंगे तो 5-6 पॉइंट हम लोग फिर से आएंगे इस पे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। फिर पॉइंट
एंड इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व नॉट द पाई बॉन्ड्स. ठीक है, ये भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा. ठीक है, देन ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ये भी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर होगा. पॉइंट नंबर 9, ये तो हमने देख लिया कि रिपल्शन हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, चलो अब फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. हेडिंग लालो बाल को टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होती है. ठीक है, दिस पी कैन बी पी एक्स ऑल्सो, दिस पी कैन बी पी वाई ऑल्सो, दिस पी कैन बी पी जेड ऑल्सो. ठीक है, पी का जो एनर्जी है मतलब वो 2p 3p 4p कुछ भी हो सकता है. हाँ ठीक है सर. नहीं, 2p 3p कैसे हो सकता है, एनर्जीज हमने बोला ना कंपेरेबल होनी चाहिए, 1s का 1p या फिर 2p के साथ हो सकता है. ठीक है, ओके सर, आसपास की एनर्जी हो जानी चाहिए. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं. हाँ, तो पहले इसमें क्या होगा, जैसे एक आपका s ऑर्बिटल है. ठीक है, और दूसरा क्या है, p ऑर्बिटल है. ये दोनों कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो. दो. और वो दोनों किस तरह से ओरिएंट करेंगे कि उनके बीच रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो. मिनिमम. हाँ ठीक है. हाँ सर. तो रिपल्शन मिनिमम मतलब कितने डिग्री पे होना चाहिए दोनों ऑर्बिटल, 180 डिग्री, समझ में आता है. तो ये आपके दोनों ऑर्बिटल हो गए, एक ये पहला वाला ऑर्बिटल हमने बनाया, ये दूसरा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. समझ में आ रहा है. पर मेरा जो क्वेश्चन है एस एस वाला तो इसमें दिख नहीं रहा है. हां एस दिख नहीं रहा है, वो जरूरी नहीं है कि दिखे. ठीक है, हमने क्या बोला, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक ऐसे बड़ा और एक छोटा. अच्छा हां हां याद आ गया. ऐसा नहीं है कि पी ऑर्बिटल कर रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है. ठीक है. हां सर. क्लियर है. ओके, मेरा क्वेश्चन है सर, बोलो. p ऑर्बिटल ऐसा दो जैसा क्यों दिखता है और d ऑर्बिटल कैसा दिखता है सर? d ऑर्बिटल ऐसे चार होता है ना उसके अंदर. अच्छा सर, पर चार क्यों होते हैं? अब वो आप पूछना भगवान से, उन्होंने क्या क्यों ऐसा बनाया एटम. अच्छा, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है. नहीं. ओके सर. ठीक है, तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. आप जैसे इसका एग्जाम्पल BeCl2. ठीक है, तो Be बेरिलियम का आप बताओ एटॉमिक नंबर. बेरिलियम 1s2 2s2 2s2 2s2. 2p कुछ नहीं. नहीं सर. ठीक है, तो इसका आप एक्साइटेड करो, इसको क्या होगा, 1s2 2s1 2p 1. ठीक है, तो दो एक s और एक p ऑर्बिटल आपका मिक्स करके क्या होगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे. ठीक है, ऐसे और ऐसे, और क्लोरीन का उसके साथ ओवरलैप हो जाएगा. ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, देखो पहले बेरिलियम का हम लोग ड्रॉ करेंगे. दिस इज बेरिलियम का दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, और इसके साथ क्लोरीन के ऑर्बिटल. क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लो, 1s2 2s2 2s2, मतलब 2p6 3s2 3p5. ठीक है, एक p ऑर्बिटल में इसको बस चाहिए, तो इसका एक p ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप कर गया. फिर दूसरा क्लोरीन एटम इधर होगा, उसके p ऑर्बिटल्स के साथ ये इधर ओवरलैप कर गया. दो होता तो मतलब अगर क्लोरीन ना का कोई और एलिमेंट होता तो वो ओवरलैप नहीं करता. अच्छा, ओवरलैप ही नहीं करते. ठीक है. यस सर. दिस इज द शेप ऑफ योर BeCl2. समझ में आ रहा है सबको? हां सर. हां सर. तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं. एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा लगे थोड़ा. ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसका, इसका देख सकते हैं, ठीक है, ये HCN देख सकते हैं, ठीक है, या फिर CO2 देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा और बेटा इन्वॉल्व होते हैं, पाई इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक और दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, ठीक है, एक s और एक p और मेटल इन्वॉल्व है। पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। सो दिस वाज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड इज क्या, sp डिस्कस किया ना हमने, सेकंड इज योर sp2। HCN क्या होगा सर, HCN में C सेंट्रल एटम है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने में हम लोग बस सिग्मा काउंट करेंगे, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट इज sp2। तो sp2 में क्या होता है, एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यस सर। तो एक आपका s ऑर्बिटल है, फिर एक p ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। तब तो BCl2 में भी तो दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए थे। नहीं, दो p ऑर्बिटल्स कहाँ है, एक ही p ऑर्बिटल है ना, b का। तो Cl2 का सर। Cl का नहीं देखेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर सेंट्रल एटम, ठीक है। ओके सर। फिर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाकी सराउंडिंग एटम्स बस ओवरलैप करते हैं बाद में आके, ठीक है। यस सर। ओके, फिर sp2 पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या था हमारा sp2 का, दिस इज वन s ऑर्बिटल, दिस इज अनदर p ऑर्बिटल, दिस इज अनदर p ऑर्बिटल, ठीक है। लेट अस से दिस इज px, दिस इज py, ठीक है। py pz भी हो सकता है, pz px भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हां सर। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीन। और इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि उसके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, तो कैसा उसका कॉन्फिगरेशन होगा सर, 90 नहीं 120 डिग्री। अच्छा, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये इसका शेप क्या हो जाता है, इसका शेप हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनल प्लेनर, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल्स इसके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। CO3-2- जो हमारा होता था, कार्बोनेट अनायन, ठीक है। Awesome. या फिर बाकी एग्जांपल्स हम सिर्फ लिख रहे हैं, आप लोग उसका शेप देख लेना, ठीक है। NO3- हम लोगों ने देखा, ठीक है। और क्या, SO2, ठीक है। SO2 में, SO2 का शेप कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर ऊपर में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल वेयर फुली फिल्ड ऑर्बिटल इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यस सर। जो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल क्लियर है सबको, स्पिन तो अलग होगा ना, स्पिन एक। हाँ वही मैंने गलती से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। स्पिन इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, क्लियर है सबको। या फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, HC=CHHH, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp2 है, तीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे एक चीज आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर px और py ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो ये मॉलिक्यूल का प्लेन जो होगा दैट विल बी xy प्लेन, समझ में आ रहा है, मतलब दो डायमेंशनल होगा। हाँ, सो ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ये दिख रहा है सबको, तीनों ऑर्बिटल हमारे एक ही प्लेन में है ना।
पे, इसलिए इसको ट्रिगोनल प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि एक्स और वाई ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। और इसके बारे में कुछ कुछ आप मतलब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये और ये, इन तीनों के बीच एंगल कितनी है, 120 डिग्री। हाँ सर। तो एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, sp2 hybridization में बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हाँ सर। और हाँ, भी एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे bf3, ठीक है, bcl3 जो भी है, ठीक है, या फिर bh3। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए sp2 hybridization के। लिख लिया सबने, आगे बढ़े? हाँ सर। फिर अगला hybridization आता है हमारा, sorry, that is sp3 hybridization। sp3 hybridization में क्या होगा, एक s orbital और तीनों p orbital, px, py, pz और pz, तीनों ऑर्बिटल्स हमारे इन्वॉल्व है, दिख रहा है ना सबको? ये एक्स है, सॉरी ये जेड है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है सर, एस पी एक्स पी वाई, वो पी वाई है और ये सर पी वाई इधर वाला सबसे पहला वाला था। हाँ ठीक है, एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, हमारे चार ऑर्बिटल इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, चार। और ऑलरेडी हम लोगों ने उसका शेप देख लिया है, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये आपका शेप हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ये चारों सेम प्लेन में है कि सेम प्लेन में नहीं है? नहीं सर, मतलब 3D में है, 3D, वेरी गुड। तो द शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, वो आप लोग याद रखो, बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। मिनट्स तक चले गए? हाँ, मिनट्स तक चले गए, ठीक है। सो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, CH4, ठीक है, CF4, CCl4, ठीक है, XCO3 का हमने देखा ना, जीनोन का एक लोन पेयर होता था और तीन डबल बॉन्ड होते थे। सिमिलरली H3PO4, H2SO4, सब में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OH, OH, ठीक है। हाँ सर। लाइक H2O4 ऐसा तो नहीं था, वो तो पूरा कैसा था? अच्छा, वो तो हम ऐसे ही फिगर, आप लोग को उस समय बच्चे थे तो हम ऐसे बताते थे, अभी बड़े हो गए ना सब। अच्छा, ठीक है। तो ये OH ऐसे हमने सेम प्लेन में बॉन्ड लाइन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद फिर ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये होता है आपका sp3 hybridization। अगला क्या होगा, sp4, राइट? नहीं सर, p4 नहीं होता। वेरी गुड, बस एक बच्चा है क्लास में जो सोता नहीं है, ठीक है। अगला hybridization हमारा क्या होता है, sp3d, ठीक है। sp3d क्या होता है, ये बहुत स्पेशल ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से हम ब्रेक करें तो दिस इज sp2 प्लस p प्लस d, ठीक है। स्पेशल क्या है? हाँ, स्पेशल बता रहे हैं, यहाँ पे sp2 में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो s ऑर्बिटल होगा, px होगा और py होगा, ठीक है। हाँ सर। और ये जो ऑर्बिटल है हमारे, दिस इज pz, d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, दैट इज dz2, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे, d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये जनरली टीचर्स को भी नहीं पता होता है, तो आप लोग ये याद रखना है, sp3d में dz2 ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब z2 का होता है। हाँ, ठीक है। तो इसका देख लो कैसे हो रहा है, s ऑर्बिटल हो गया आपका, देन px कौन सा था, ये px था, px हो गया,
नहीं सर पी वाई पी जेड था सर ये पी जेड था ओके पी एक्स कौन सा था एक्स क्रॉस वाई डायगोनल डायगोनल वाई जेड प्लस डी जेड स्क्वायर क्या होगा एक मिनट पी जेड के अलोंग बनाएंगे ना इसको इरेजर ड्रॉ करो दिस इज योर पी जेड स्क्वायर एक मिनट अच्छा हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं दिस इज योर पी एक्स दिस इज योर पी जेड दिस इज योर पी वाई एंड दिस इज योर डी जेड स्क्वायर ठीक है अच्छा, अच्छा आप लोग को शायद पता नहीं है रुको मैं बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग को देखो एक्स और वाई हम लोग इसको डिनोट करते हैं ठीक है तो जेड हमारा ऊपर आना चाहिए मतलब एक्स से अगर आप वाई के तरफ अपना हाथ घुमाते हैं तो थंब आपका जेड के तरफ होना चाहिए ठीक है आपने एक्स के अलोंग आपने अपना हाथ रखा ठीक है कौन सा हाथ राइट हैंड रखो ठीक है और उसको वाई के तरफ अपने उंगलियों को बेंड करो तो जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज योर जेड ठीक है हाँ, बोलते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जो वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे या फिर शायद नहीं पढ़े होंगे अभी ठीक है तो ये आपका क्या है एक्स डायरेक्शन है ठीक है ये आपका वाई डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन हो जाएगा ठीक है हाँ सर सर वो पहले पहले तो जो था वो गलत था ना क्या पहले पहले जो था नहीं वो भी सही था उसमें हम एक्स इधर लेते थे एक्स क्रॉस वाई तो एक्स से वाई की तरफ बढ़ाओ तो जेड इस डायरेक्शन में आएगा ठीक है हाँ सर ठीक है ये वाला गलत होता अगर एक्स हम इधर ड्रॉ करें वाई इधर ड्रॉ करें और जेड को पीछे कर दे दिस इज रॉन्ग ठीक है दिस इज करेक्ट सर एक्चुअली आपने एक्स वाई उल्टा लिख दिया नहीं एक्स वाई सही लिखा है हमने सर वाई उधर होता है एक्स इधर होता नहीं एक्स एक्स से आप वाई की तरफ ले जाओ तो जेड की तरफ थंब होगा ठीक है सही लिखा है हमने सर एक्स डायगोनल होता है सर एक्स डायगोनल नहीं होता हम कह रहे हैं ना एक्स और वाई जिधर है उसके हिसाब से जेड आप बना सकते हैं ठीक है ठीक है सर अगर आपने एक्स इधर ड्रॉ किया वाई इधर ड्रॉ किया तो जेड ऊपर की तरफ आप कर सकते हैं ठीक है दिस इज एक्स सॉरी जेड आपका फिर नीचे की तरफ होगा ठीक है एक्स से वाई की तरफ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको ठीक है इसको अगर आपने एक्स रखा इसको आपने वाई रखा तो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड तो ये वाला आपका जेड हो जाएगा ठीक है किसी भी तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं समझ में आ रहा है सबको हाँ सर हाँ ठीक है तो कल जो बताया था दैट इज नॉट की हर बार वही लिखा होगा ठीक है अच्छा मतलब सर वो आप जो बताते थे कि px डायगोनल होगा py हॉरिजॉन्टल pz वर्टिकल मतलब ये हर वक्त नहीं होता क्या तो मतलब आपने जो पहले पहले जो बताया था ना sp हां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हां वो वैसे नहीं होता ठीक है अच्छा उसमें हमने बोला था अज्यूमिंग z एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तब हम इसको z मानते थे ठीक है हॉरिजॉन्टल वाले को हां सर ठीक है ओके तो यहाँ पे पांच ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे राइट सर डी जेड स्क्वायर में जो गोला है वो भी ड्रॉ करना है क्या नहीं 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 अरे आप समझ नहीं रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एस से बन रहा है पी से बन रहा है या डी से बन रहा है समझ में आया ऐसा नहीं है कि इधर गोला आ गया तो इधर अलग किस्म का हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेगा ऐसा नहीं है ठीक है नहीं सर मैं dz स्क्वायर की बात कर रहा हूँ हाँ dz स्क्वायर में तो गोला होता ही है अच्छा होता है हाँ आपको पता नहीं है ये चीज अभी तक नहीं सर आप मार खाओगे ठीक है तो sp2 ऑर्बिटल हमारा क्या होगा ये किस प्लेन में है xy प्लेन में दिख रहा है सबको हाँ सर, हाँ, सर। ओके तो एक्स वाई प्लेन हमारा जो बोर्ड का प्लेन है ये वाला प्लेन होगा जो आपको फिगर में दिख रहा है ठीक है तो sp2 का हम लोग पहले sp2 बना लेते हैं ठीक है तो दिस इज s दिस इज p sp2 ठीक है दिख रहा है सबको हाँ सर और ये pz हमारा और dz स्क्वायर क्या है ये z एक्सिस के अलोंग है तो वो क्या होगा उसको हम ये प्लेन के पीछे दो ऑर्बिटल होंगे ठीक है एक प्लेन के पीछे इधर और एक प्लेन के पीछे इधर ठीक है आपको शायद ये फिगर गंदा लग रहा हो
तो हम इसी को घुमा के इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? और एक ऊपर एक नीचे, दिखा सबको? ये तीनों आपके एक प्लेन में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है? और ये वाला प्लेन के ऊपर है, ये वाला प्लेन के नीचे है, दिखा सबको? हाँ सर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे सबको ज्वाइन कर दो। समझ में आया कैसा हो रहा है? ठीक है, दिखा सबको? अच्छा, मतलब पिरामिड है पर बेस स्क्वायर है? नहीं, बेस ट्रायंगल ही है। पिरामिड तो है ना पर? हाँ, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या किया, रुको, इसको हम ऑर्बिटल्स की जगह अगर लाइन से सिर्फ रिप्रेजेंट करें तो अब आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो जितने भी बॉन्ड है उनको हम एक एक लाइन से बना रहे हैं। तो ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है? एक ऊपर और एक नीचे। अब समझ में आया? हाँ। ये आपका एक प्लेन में हो गया और ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, दिखा? हाँ सर। हाँ, वो ऊपर नीचे जो बना है वो सर dz स्क्वायर। हाँ, वो pz और dz स्क्वायर से बना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है? हाँ सर। ट्रिगोनल क्योंकि बेस हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और बाई पिरामिडल मतलब दो पिरामिड है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो इसमें बॉन्ड एंगल्स आपको क्या क्या दिखेंगे? सबसे पहले तो ये तीनों के बीच क्या होगा, 120 डिग्री, 120 90 दिखेगा सर, और ये 90 डिग्री, दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो बॉन्ड एंगल्स आपको क्या क्या दिखेंगे, एक 120 डिग्री दिखेगा और 90 डिग्री दिखेगा, और ध्यान से देखो तो 180 डिग्री भी दिखेगा, दिखा 180 डिग्री? 180 डिग्री, हाँ सर, हाँ सर, दोनों एक्सियल के बीच जो है। ओके, तो ये तीनों जो बॉन्ड हमारे सेम प्लेन में होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है? और ये दो जो ऊपर नीचे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बनता है, एस पीएक्स और पीवाई से, ठीक है? एक्सियल बॉन्ड कैसे बनते हैं, पीजेड और डीजेड स्क्वायर से। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो दिस इज एक्सेप्शन टू वन ऑफ द रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या होता है कि पांचों ऑर्बिटल हमारे क्या होने चाहिए, पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब सेम होने चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें अलग हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो, ठीक है? जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड इन बॉन्ड लेंथ, ठीक है? एक्सियल का थोड़ा लेंथ लंबा होता है, ठीक है? पांचों आइडेंटिकल नहीं होते इसमें, तीन ये जो प्लेन में है वो आइडेंटिकल होंगे और दो जो ऊपर है और नीचे है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, लेकिन पांचों आइडेंटिकल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहला एग्जांपल है इसका PCl5, ठीक है? फास्फोरस के अराउंड कितने हैं, 5 क्लोरीन है, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, PBr5, ठीक है? SF4, सल्फर का क्या होगा, यहाँ पे सल्फर के पास 4 फ्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, और एक क्या होगा इसका लोन पेयर, तो टोटल 5 चीजें हैं, ठीक है? This is the shape of your SF4, ठीक है? SF4 तो कुछ अलग होता था, अभी अलग नहीं, यही है, ठीक है? नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े? सर एक मिनट, SF4 का डायग्राम थोड़ा देख कर लो। हाँ सर, हो गया, ठीक है? और अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp3d2, ठीक है? कितना नंबर, 5 नंबर होगा ना, sp3d2। तो यहाँ पे तीनों s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और दो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो एक मिनट, d ऑर्बिटल कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेरे को ऐड करना था।
dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dx y, हाँ एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, px और py, ठीक है, और एक ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक ऑर्बिटल होता है d p z भी तो इन्वॉल्व होता है सर, हाँ बोलो क्या, तब p z भी तो इन्वॉल्व होता है, p z भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ओके, तो दो d ऑर्बिटल कौन कौन से आपके, d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और d z स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ सर, एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, दैट इज dsp2, तो उसका हम थोड़ा नोट बना के बस बता देते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 11th में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको याद रखना है कि ये भी होता है, ठीक है, तो यही में आएगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, अभी 12th में ये dsp2 फिर से आएगा, तो उस समय हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है, तो इसको आप 5-star कह सकते हैं, इसको ये हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, dsp2, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होता है, दो p ऑर्बिटल होते हैं, px और py, ठीक है, और एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, हाँ, अगेन चार ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाँ सर, चार, दिस इज px, लेट अस से दिस इज py, dz is x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो इसके जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि ये एटम क्या हो ओवरऑल, उसके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है, तो इसका शेप जो होता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता है, इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, रुको इसको अच्छे से ड्रॉ करने दो मेरे को, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका शेप कैसा होता है, तो एक स्क्वायर बनाओ आपको, ठीक है, ये चारों ऑर्बिटल आपके एक प्लेन में होंगे, ठीक है, this is your dsp2 hybridization which is also called as square planar, ठीक है, ठीक है सर, जैसे sp2 हमारा प्लेनर होता था लेकिन ट्रायंगल के साथ प्लेनर होता था, तो उसको ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं, ट्रिगोनल प्लेनर, ठीक है, ये स्क्वायर के जैसा प्लेनर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, हाँ सर, मतलब ये चारों सेम प्लेन में होते हैं, बात समझ में आ रही है सबको, ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, dsp2 hybridization से रिलेटेड, वो हम लोग क्लास 12th में जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है, अभी हमने इसलिए बताया क्योंकि ये जो sp3d2 होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ dsp2 प्लस pz प्लस dz स्क्वायर, ठीक है, तो इसीलिए हमने इस ऑर्डर में लिखा है, ये चारों ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, dsp2 प्लस pz और dz स्क्वायर, ठीक है, यस सर, हाँ, तो पहले dsp2 बना लो, तो dsp2 ये चारों आपके सेम प्लेन में हो जाएंगे, हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, ये 1, 2, 3, 4 दिख रहा है सबको, हाँ सर, हाँ सर, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन आपका xy प्लेन है, ये भी दिख रहा है सबको, और ये जो dz स्क्वायर और pz है इसके ऑर्बिटल्स ऊपर और नीचे होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, हां सर, तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, ऑक्टा मतलब तो आठ होता है लेकिन यहाँ पे तो छह ही है ना, बॉन्ड तो हमारे छह ही है, हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं इसको, अच्छा सर सोचने दीजिए सर, आठ साइड्स है, साइड्स आठ नहीं है, साइड्स आप ध्यान से देखो 12 है, 12 साइड्स दिखे सबको, नहीं सर, 1, 2, 3, 4 ठीक है, 5, 6, 7, 8 ठीक है, 9, 10, 11, 12 दिखे, हाँ सर, हाँ सर, तो फिर इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, बोलो ऑक्टा कहां से आ रहा है, इधर आठ फेसेस हैं इसके, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सबको,
हाँ, ये एक फेस है, इसी तरह का चार फेस ऊपर चार फेस नीचे, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। यस सर। एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, sp3d में हमने देखा कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ठीक है। हाँ सर। हाँ, इधर ऑक्टाहेड्रल में ऐसा ऑक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होता है, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। हाँ, क्योंकि सर स्क्वायर है ना। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस है बस कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल या फिर एक्सियल लंबा हो इक्वेटोरियल छोटा हो ऐसा नहीं है, सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ये कुणाल और विपुल सोए क्यों हैं क्लास में? हाँ सर। हाँ सर, बोलो। हाँ हाँ बोलते रहो बीच में, ठीक है। हाँ, तो इसका एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं SF6, ठीक है। बोलो हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। या फिर इसका और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे तो और एग्जांपल आपको दिखेगा, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन होता है सर। हाँ, इसका बॉन्ड एंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ आप लोग बताओ बॉन्ड एंगल क्या क्या हो सकता है इसमें। 90 एंड 180। बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है किसी को? अगर दिख रहा है तो करेक्ट कर लो, नहीं होता है, ठीक है, दो ही एंगल है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। यस। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, ठीक है। इसमें इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बस ये लास्ट है, लास्ट, ठीक है। एस हो जाएगा, फिर px, py, pz तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और d के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ये याद रखना, dxy, dyz और dzx, ठीक है। x square minus y square और z square नहीं होता, जो पिछले दो केस में हो रहा था वो दोनों इसमें नहीं होता, ठीक है। ओके, और इसका शेप जो होता है वो आप लोग याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो नाम से क्या लगता है कैसा होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल? सब पेंटागोनल मतलब बीच में और उसके साइड और ऊपर नीचे दो वो पिरामिड। पहले पेंटागोन बना लो, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। हाँ, दिख रहा है सबको? हाँ सर। सिमिलरली किधर कट 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 कट, ठीक है। और इसको अगर हम लाइन से ड्रॉ करें, ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाएगा, एक एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। बॉन्ड एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक ये बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री, ठीक है, अच्छा, और ऊपर वाला होगा 90 डिग्री, और एक दोनों एक्सियल के बीच, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो ये होता है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं IF7, ठीक है, सात चीजों के साथ जुड़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 7, ठीक है, IF7 इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है सबको? हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी चीज का पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड है, किधर डबल बॉन्ड है, किधर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जिधर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरिक नंबर। रुको, बताते हैं आपको, हेडिंग डालो वाल को, डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन। डिटरमाइनिंग व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले एक नंबर बस जरूरी है, एक नंबर बस चाहिए आपको, ठीक है। उसको क्या चाहिए? उसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स,
ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतना ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, राइट, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि हर एक सराउंडिंग एटम के साथ पहला बॉन्ड जो बनेगा वो तो सिग्मा ही बॉन्ड होगा. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. तो जितने सराउंडिंग एटम उतने ही सिग्मा बॉन्ड. जैसे एक एग्जांपल हम करके बता देते हैं. जैसे आपके पास अगर आपसे पूछे I3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को, ठीक है, तो एक आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम हो गया और तो दो आयोडीन क्या सराउंडिंग एटम हो गए. ठीक है. अब आयोडीन के आयोडीन के लास्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना. हाँ सर. और इसने आई प्लस बनाया है. आई प्लस बोले तो मतलब अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिया है. ठीक है. उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बनाने में बिजी होंगे. ठीक है. दो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आयोडीन का. ठीक है. हाँ सर. अच्छा हाँ सर, आयोडीन का 2 इलेक्ट्रॉन में से. हाँ, तो बचे कितने 4 मतलब 2 लोन पेयर. हाँ सर. ठीक है. तो एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर होगा. तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया. स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स दैट इज 1, 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज 2. तो स्टेरिक नंबर इसका क्या हो गया, 4 हो गया. हाँ सर. 4. और स्टेरिक नंबर 4 होने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3. क्लियर है सबको. हाँ सर. स्टेरिक नंबर 4 होने पे dsp2 भी हो सकता है, लेकिन dsp2 का आपको 11th में क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ऐसे ही स्टेरिक नंबर 4 आए हाइब्रिडाइजेशन sp3 मारने का. ठीक है. यस सर. सबको क्लियर है. यस सर. हेलो वत्सल, आपको क्लियर है. हेलो वत्सल, क्या हो गया इसको. ठीक है, आगे बढ़े. एक और एग्जांपल हम करके बताते हैं. ठीक है. जैसे XeOF4, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. तो सेंट्रल एटम क्या होगा हमारा, ज़ीनॉन. हां सर. ठीक है. तो ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हां सर. ठीक है. उसमें से 4 तो हमारे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, 2 चले गए. बचे कितने, 2. तो एक लोन पेयर होगा, 2. हाँ सर. एक लोन पेयर और 4 फ्लोरीन, 1, 2, 3, 4 फ्लोरीन. ठीक है. और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ. तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2. हाँ सर. हाँ सर. ऐसे गिन लो, s1 d2, 3 और 3, 3, 6. ठीक है. तो स्टेरिक नंबर के हिसाब से हम लोग फिर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो वी कैन एंड द क्लास हियर. हम असाइनमेंट देते हैं, आप लोग करके आना. ठीक है. हाँ सर. ओके. हम अभी आपको भेज देते हैं, मेरा पुराना असाइनमेंट से मैं अभी आपको भेज देता हूँ. चलो ठीक है. कल से लेकिन क्लास के पहले सबका आ जाना चाहिए. हाँ सर. ओके चलो ठीक है. कल है क्लास. कल. हाँ कल क्लास है, क्यों नहीं होगा. अच्छा नहीं फ्राइडे. अच्छा ठीक है, फ्राइडे है तो छुट्टी मारो और हम ठीक है ज्यादा क्वेश्चन देंगे होमवर्क में. अच्छा कि याद दिला दी. अरे चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. कम होमवर्क ही दीजिएगा सर. बाय सर. बाय.